रूस के खिलाफ यूक्रेन की एक बहुत बड़ी तैयारी का खुलासा हुआ है और ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। क्रीमिया पर बड़े हमले की प्लानिंग में जुट गया है यूक्रेन और अमेरिका। पेंटागन क्रीमिया पर बड़े हमले का रूट मैप तैयार कर रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। क्रीमिया ब्रिज अटैक से भी बड़े हमले का इनपुट आ रहा है। तो एक और बहुत बड़ा घाव देने वाले हैं यूक्रेन और अमेरिका रूस को। क्रीमिया ब्रिज से भी बड़ा कोई अटैक कर सकते हैं रूस पर यूक्रेन और अमेरिका, और ये पेंटागन इसकी तैयारी में जुट गया। यानी अमेरिका का रक्षा मुख्यालय, जो दुनिया में सबसे ताकतवर कहा जाता है, वो इसके तैयारी में, इसकी प्लानिंग में जुट गया है कि रूस को कैसे क्रीमिया ब्रिज से भी बड़ा घाव दिया जाए। और ये इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, मार्च से मई के बीच कभी भी ये अटैक हो सकता है। तो क्या जब जिनपिंग होंगे तब ये अटैक हो सकता है क्या? क्या चीन और रूस को दोनों को साथ मैसेज दिया जाएगा? यूक्रेन की सेना इस मौसम के ठीक होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही मौसम वहां पर ठीक होगा, जैसे बर्फबारी कम होगी, जैसे बर्फ पिघल जाएगी, जैसे ही वहां पर स्प्रिंग्स आएंगे, वैसे ही यहां पर कुछ हो सकता है। सर्दियां पूरी तरह से खत्म होने के बाद दक्षिण में जंग तेज होगी। कुछ दिन पहले अमेरिकी सचिव का इसको लेकर एक बड़ा बयान आया था, क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन आजाद है, ये कहा था अमेरिकी सचिव ने। तो क्या क्रीमिया पर या क्रीमिया के अलावा कहीं और रूस के अंदर या यूक्रेन में रूस की फौज पर क्या कर सकते हैं यूक्रेन और अमेरिका? ये बड़ा सवाल है। एवीएम तिवारी, आपको इस इनपुट पर कितना ज्यादा भरोसा है और क्या आपको लगता है कि अब इस युद्ध में अमेरिका और यूक्रेन कुछ ऐसा करेंगे जिससे पुतिन को एक और बड़ा घाव क्रीमिया ब्रिज से भी बड़ा मिलेगा? गौरव, ये जो प्लानिंग है इस बार रूस मेरे ख्याल से इनकी इंतजार नहीं करेगा, बल्कि प्रीएम्प्टिव अटैक करेगा। इनके जो पोजीशन होंगी, जहां पे प्लान किया हुआ, जहां से अटैक कर रहा है, रूस पक्का स्ट्राइक करेगा। हम वॉर का एस्केलेशन होगा इसमें पहले ही, यूक्रेन का वॉर का इंतजार नहीं करेगा रशिया। और वो कर रहा है। अभी एक खबर हमने ब्रेक की, नेटो का कमांड सेंटर 400 मीटर अंदर, 400 फीट अंदर, उस पर हमला किया किंजल मिसाइल से रूस ने और उसको नेस्तनाबूद कर दिया। हाँ, तो रशिया तो करेगा ही। हाँ। अब क्रीमिया वाला तो चांस ले नहीं सकता। अगर क्रीमिया पर इन्होंने कुछ किया यूएस ने, तो वॉर बहुत एक्सकलेट होगी और किसी भी तरीके किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। तो इस बार यूक्रेन चाइना से इंट गैदर लेके, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन लेके, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके, हमने गुब्बारे भी देख लिया, उन्होंने बैलून भी भेज दिया, तो चाइना के पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। और चाइना ने अगर शेयर किया तो रूस ही प्रीएम्प्ट करेगा और इनकी स्ट्राइक को पहले ही डैमेज करेगा, वो दिखा भी चुका है, रिस्क कैपेबल है। भले ही फाइनेंशियली थोड़ा वीक हुआ रशिया, लेकिन मिलिट्री पावर अभी नंबर 2 है। बिल्ली का खेल है एक दूसरे के खिलाफ। यस, ठीक है, चलिए। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ हमला करने और दूसरे की प्लानिंग को नाकाम करने की पूरी रसाकशी इस वक्त दिख रही है दोनों देशों के बीच, या कहें दोनों गुटों के बीच, क्योंकि देश तो दो नहीं है, उनके पीछे कई सारे देश जुड़े हुए हैं।